आप दो सजदों के दरमियान बैठ कर जो दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा फिल्ली वरहमनी वाफिनी वहदिनी वरज़ुकनी, ये दुआ वह है जिसमें आप दुनिया और आखिरत की तमाम नेमतें आप अल्लाह से मांग रहे हैं। लेकिन क्या ये दुआ पढ़ते वक्त आपको इसके बाद का एहसास होता है? क्यों भाई बताइए, मैं बोल रहा यार ये क्यों नहीं होता भाई, ये क्या है, ये खुद परेशानी जहन में क्यों नहीं आती? आप जानते हैं इस दुआ में क्या मांग लेते हैं अल्लाह से? मगफिरत मांग लेते हैं, अल्लाह की मेहरबानी रहमत शफकत और प्यार मांग लेते हैं, आफियत मांग लेते हैं, हिदायत मांग लेते हैं और रोजी रोटी मांग लेते हैं। कुछ बचा बताओ, दीन और दुनिया की कोई नेमत बची जो आपने मांग ली हो? लेकिन मांगना इस अंदाज से आपको पसंद है? कोई आपसे इस तरह मांगे? अब मैं क्या नकल उतारूं? आपके पास कोई आया गए, आप हमको माफ़ भी कर दीजिए, हमको खैरात दे दीजिए, हमें दे दीजिए, सबका दे दीजिए और कुछ हमको दवा बता दीजिए, कुछ वो कर दीजिए, तो आप उसको कुछ देंगे? या ये मांगने का तरीका है? क्या हम लोग अल्लाह से इसी तरह नहीं मांग रहे? ये अल्लाह का इल्म है कि अल्लाह बर्दाश्त कर रहा है। किस तरह मांग रहे? मजाक बना रखा हमें दुआ का। एक बच्चा अपने बाप से कापी दे दीजिए, किताब दे दीजिए, पेंसिल दे दीजिए, कलम दे दीजिए, बस स्कूल का बैग दे दीजिए, तो वो कहेगा ये सब तो बाद में मिलेगा, पहले 3 अदद थप्पड़ मिलेगा। ये मांगने का तरीका है बदतमीजी? ये बाप से बात करने का तरीका है? आप गए स्कूल के प्रिंसिपल के पास, छुट्टी दे दीजिए, मंडे की दे दीजिए, संडे की दे दीजिए, सैटरडे की दे दीजिए, तो वो कहेगा जाओ वो खन्ना वो फुम्मन लाल चपरासी जरा बंद, इसको बांधो, इसके कपड़े उतारो और इसको खंभे से बांधो। अब यही नहीं कर रहे हैं हम लोग अल्लाह के साथ? इसीलिए तो नमाज पढ़ रहे हैं मगर रूहानियत नहीं पैदा हो रही। नमाज पढ़ रहे हैं अल्लाह की याद की कैफियत नहीं पैदा हो रही। अकीम सलात लिज़िक्री, सबसे पहले रोज़े महशर नमाज देखी जाएगी। रोज़े महशर की जहाँ गुदाज बुवत अव्वली पुरसिशे नमाज बुवत, अल्लाह ताला कहेंगे बस नमाज देख लो, अगर इसकी नमाज सही है तो अल्लाह ताला कहेंगे बाकी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं, जिसकी नमाज सही है उसकी ज़िंदगी सही है, इसके जन्नत में है। और जिसकी नमाज गड़बड़ है, पढ़ी तो है नमाज उसने लेकिन नमाज गफलत वाली है, अल्लाह कहेंगे वकीफ़ूहुम इन्नहुम मस्कूरून, रोको इनको, इनकी एक एक बात की तहकीक करनी है, इनका हिसाब किताब देना है, इनसे पूछना है। इसलिए कि नमाज अगर इनकी अच्छी नहीं है तो अखलाक भी ख़राब होंगे, ये वालदेन का दिल दुखाते होंगे, ये नापतोल में कमी करते होंगे, ये बेहयाई के काम करते होंगे, ये बदनजरी करते होंगे, ये बदकारियाँ और बदफेड़ियाँ करते होंगे। इसलिए कि इन सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, जो चीज़ बेहयाई से रोकती है इंसान को वो तो इनके पास ही नहीं, फिर ये बेहया ना हो ये हो ही नहीं सकता। नमाज जानदार होगी तो सब ठीक होगा। हर शख्स आज ये रोना रोता है कि हजरत बदनजरी का गुनाह नहीं छूटता, नजरों पर मेरे काबू नहीं। अरे मेरे प्यारे, तुम न नमाज पर मेहनत करते हो, न मामूलात की पाबंदी करते हो और फिर कहते हो कि हम उससे गुनाह नहीं छूटते, ये क्या, कहाँ की, कहाँ का जुल्म, कैसी हिमाकत, 99% लोग करते हैं। अपनी नमाज अच्छी बनाओ और फिर चैलेंज के साथ कहा जा सकता है, सारी दुनिया के शैतान मिलकर एक बार तुम्हारी निगाह किसी नामहरम पर इरादे के साथ नहीं उठी।